अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी YouTube फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अभी थोड़ी सी तबीयत मेरी बेहतर है। आप लोग मेरे बारे में इतना ज़्यादा पूछ रहे थे, दुआएं कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी, आप लोगों ने पूरा देखना है। जानते हैं आप सबकी सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। मैं जो भी कर पाती हूँ वो आप सबकी सपोर्ट की वजह से ही है। सो मेरा ये होता है ना, मेडिसिन वगैरह लेके मैंने थोड़ी सी वॉक की है, एक्सरसाइज किया है, और यहाँ पे मेरी कुछ मेडिसिन अभी तक चल रही है, वो मैं यूज़ करती हूँ। तो आप सब बताइएगा आप सब कैसे हैं। आप सब मुझे इतना मिस कर रहे थे, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपनी मेकअप वीडियोज़ फिर से करूँ। कोशिश करूँगी आप लोग मुझे बताइएगा तो मैं अपनी मेकअप वीडियोज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इंस्टा पे भी, यहाँ पे भी। मैं आप लोगों के साथ एक ब्रांड शेयर करती हूँ। आप लोग पूछ रहे थे कि मेरे बेबी हेयर्स आ रहे हैं, मेरी स्किन अच्छी है, मेरे बाल अच्छे हैं, इतनी सब परेशानियों के बावजूद सब कुछ आप लोग जानते हैं मेरे बारे में। सो जिन ब्रांड्स की चीज़ें मैं स्किन केयर के लिए यूज़ कर रही हूँ और हेयर केयर के लिए यूज़ कर रही हूँ, सो वो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। हाँ जाते हैं, सबसे पहले ये है जी ऑर्गेनिक ब्लूम, ठीक है, ये ब्रांड है। ये इनका हेयर मास्क है जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अच्छी क्वान्टिटी में आपको मिल जाता है, तमाम चीज़ें इस पर मैंशन होती हैं। उसके बाद इनका शैम्पू है, इसके भी मैं फ़ाइनल रिजल्ट नहीं बता सकती, मैं यूज़ कर रही हूँ, और शायद वेदर भी ऐसा है कि थोड़ा सा हेयर फॉल मुझे हो जाता है। मैं ये इसको यूज़ करती रहूँगी, फिर भी मैं फाइनल बताऊँगी। और इसका मास्क हाईली रिकमेंडेड है, अंदर से खोल के भी दिखा देती हूँ, खुशबू बहुत अच्छी है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपने हेयर वॉश करना है, इसके साथ हेयर वॉश करती हूँ, उसके बाद कुछ 5 मिनट्स के लिए, 3 मिनट्स के लिए मैं इसको लगा के छोड़ती हूँ, रूट्स में नहीं लगाती, और फिर मैं वॉश कर लेती हूँ, मूड सिल्की हो जाते हैं। अच्छा, फेस वॉश आप लोग देखें अगर तो मैंने कितना ज़्यादा इसको यूज़ कर लिया। ये यहाँ पर देखें, ये देखें, ऑलमोस्ट ये फिनिश होने वाला है। मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया है, ये एक्नी के लिए बहुत अच्छा है, देख सकते हैं ये सल्फेट फ्री है। यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, यूज़ है, बेनिफिट है, आप चीज़ आपने देख के लेनी होती है, और मैंने इसका हशर ख़राब कर दिया इसको यूज़ कर करके। ये देखें, ये बस इतना सा रह गया, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, अच्छे से स्किन को क्लीन करता है, नीट करता है, सो हाईली रिकमेंडेड है। फोकस, अच्छा सबसे अच्छा जो मुझे लग रहा है ना वो इनका ये लिप एंड चीक टिंट है, और मैं चीक्स पे नहीं लगाती, इसको लगाती हूँ जस्ट लिप्स पे। ये बहुत खूबसूरत कलर, मैं दिखाती हूँ, पेज मैं इनका नीचे मेंशन कर दूँगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग ट्राई कर सकते हैं, नंबर, लिंक, हर चीज़ ओरिजिनल चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और कहने के ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, इसके बाद जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है जी नाइसिनमाइड जिंक। अच्छा, ये इनका बहुत अच्छा सीरम है, ये भी देखें ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। देखिए मैंने कितना यूज़ कर लिया, 2-3 ड्रॉप्स इसके यूज़ करती हूँ, तो देखें कितना यूज़ कर लिया मैं, काफ़ी टाइम से इनकी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। सो इनका मास्क, इनका ये नाइसिनमाइड सीरम, और ये इनका टेंट, और ये इनका फेस वॉश, हाईली रिकमेंडेड है, नीचे पेज मैंशन कर देती हूँ, चाहें ज़रूर ट्राई करें और मुझसे रिजल्ट शेयर कीजिए। तो आप सब लोग हमेशा YouTube पे ढेरों मैसेजेस करते हैं मेरे स्किन केयर को लेके, मेरे हेयर केयर को, सब कुछ पूछते हैं। सो मैंने आज चीज़ें शेयर कर दी हैं, नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी डिटेल्स ले लीजिएगा, ठीक है। मैंने बार बार बताया क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता चलता, लिंक पे वो टाइटल पे जब आप क्लिक करते हैं ना तो एक पेज ओपन हो जाता है, वहाँ पे सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, अम्मी जो है ना मेरे साथ ही होती हैं आजकल, क्योंकि मेरी फैमिली जो है मेरे साथ ही रहती है, साथ वाला घर है, मेरे भाई भाभी, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरा छोटा भाई, तो ये है कि ज़्यादातर अब अम्मी मेरे साथ होती है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि कोई ना कोई साथ रहे और ये खुश रहें, बाहर निकलें, फ्रेश हों, मेडिसिन थोड़ा सा काम करेंगे, लेकिन ज़्यादा जो चीज़ है वो अपनों की खुशी है, तवज्जा है, प्यार है, और सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो मेरी अम्मी अब मेरे पास होती हैं, मज़े मज़े के खाने बना के मुझे खिला रही होती हैं। तो ये अम्मी ने ना आलू मेरे कहने पर, ये पालक खुश बनाया था और आलू मेरे कहने पर डाले, और मुझे हरी मिर्च इतनी पसंद है ना। अच्छा, उन दिनों ना मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत अजीब सी थी, मुझे किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं घास खा रही हूँ, मैं पता नहीं बस पानी पी रही हूँ, मुझे किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता था, तो मैं हरी मिर्चें यूज़ करती थी। यहाँ पे फिर से मेरी तबीयत नेक्स्ट डे या वही शाम थी, मेरी तबीयत फिर थोड़ी सी अजीब सी हो गई थी, और बस मैं बहुत लो फील कर रही थी, मेरे बीपी का थोड़ा सा इशू था। फिर मेरी भाभी जो है वो मेरे साथ आई, क्योंकि अम्मी बच्चों के पास होती हैं, एक बंदा मेरे साथ जा सकता, भाई ड्यूटी पे होते हैं, छोटा भाई भी बिज़ी था, और भाभी ने बच्चे जो हैं वो अम्मी को दिए, अम्मी बच्चों को देख रही थी। माशाल्लाह से मेरे भतीजे भतीजियाँ हैं, तो भतीजियाँ ट्यूशन चल जाती हैं, जो बच्चे हैं ना वो छोटे, तो उनके पास फिर अम्मी थी और भाभी मुझे लेकर गई, और भाभी मेरी बहुत अच्छी हैं, मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, और मैं अपनी भाभी का भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगी, वो हमेशा मेरे लिए खड़ी रहती हैं,
खड़ी खड़ी रहती हैं, सपोर्ट करती हैं हर चीज़ के लिए। मुझे डॉक्टर के पास ले गई, हर चीज़ गाइड की, डॉक्टर को हर चीज़ बताई। डॉक्टर ने काफ़ी देर मेरी काउंसलिंग की, उसके बाद मेडिसिन लिख के दी और साथ ही कहती हैं कोई सुस्ती नहीं, आप ही चलें मेडिकल स्टोर पर, मेडिसिन लेके दी। उसके बाद जो है ना, फिर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कोई सब्ज़ी वगैरह खाऊँ, फिर अम्मी ने यहाँ पर चिकन और टींडे, चिकन आलू टींडे कुछ इस तरह करके, पता नहीं, हाँ चिकन गोभी और आलू मिक्स करके कुछ सब्ज़ी बनाई। और मेरा उस दिन दिल कर रहा था कि मैं कच्चा पुदीना खाऊं, तो मैं पूरा पुदीना का जो बंच होता है वो मैंने साफ़ कर लिया, वॉश कर लिया, और अम्मी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। अब तब भी मुझे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा था। अच्छा था, मेडिसिन की वजह से मेरा मैदा बहुत डिस्टर्ब हो गया, लेकिन मैं बास नहीं आई, मुझे फिर भी हरी मिर्चें खानी थी, लेकिन साथ मैंने पुदीना भी लिया था। इनके टेंट की बात की जाए, मैंने कहा था आपको दिखाऊंगी, तो ये हरी बहुत ही खूबसूरत सा शेड इनके टेंट का बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। चीज़ें आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री चीज़ें हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं तकरीबन 20-25 दिन से यूज़ कर रही हूँ, तभी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। नीचे लिंक दे दूंगी, हर चीज़ आप लोग ट्राई कर सकते हैं। वैसे ना मैं टेंट नहीं यूज़ करती, लेकिन ये बहुत अच्छा टेंट था, मैंने यूज़ किया। अच्छा, उसके नेक्स्ट डे जो है ना, अम्मी ने बहुत ही मज़े की ये लौकी चिकन बनाया। अम्मी थोड़ा सा ना चिकन मेरे लिए ऐड करती हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो चिकन के साथ लौकी जो थे वो बहुत मज़े से मैंने खाई। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत रेडी हुई, सना से बात हुई, सना कहती है आप ही आ जाएं, तो बस फिर जब मेरा दिल तंग होता है, परेशान होता है, मैं सना की तरफ चली जाती हूँ। फिर थोड़ा हम लोग आउटिंग करते हैं, निकलते हैं, और क्योंकि घर में डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा नहीं रहना, अकेले बिल्कुल नहीं रहना, बाहर निकलना है, घूमना फिरना है, इन्जॉय करना है थोड़ा सा। तो फिर सना के पास जो है ना, मुझे होता है कि मैं चली जाऊँ, वहाँ पर ये होता है कि हम लोग गपशप लगाते हैं, इन्जॉय करते हैं। और बहुत ज़्यादा ना आजकल मैं शोर नहीं बर्दाश्त कर पाती, तो मैं बाकी बहन भाइयों के घर ज़्यादा इसलिए नहीं जाती, और कैमरा भी एक तो नहीं उठा पाती, और दूसरा ये होता है कि मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो उनके बच्चे हैं, और बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा दिल बहुत लगता है भांजे भांजे वो सबके साथ। लेकिन ये होता है कि एकदम से मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और मेरी तबीयत अजीब सी हो जाती है, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करें, चीखें मारें। तो यहाँ पे सना के तरफ मैं पहुँच गई थी, और पहुँचने के बाद जो है यहाँ पे हमने कुछ खाया पिया, इन्जॉय किया। पहले मिल्क शेक सना ने मुझे दिया, फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह, फिर थोड़ा सा हम बाहर निकले। और सना पिंडी में ना वहीं रहती है जहाँ हम लोग रह रहे थे, मतलब जहाँ पे मैंने इद्दत का टाइम गुजारा था, और वहाँ पे ना ये कभी कभी मैं चिप्स जाके खाती थी, ये वहाँ पे गली में ही है बाहर, तो इतने मज़े के इसके चिप्स होते हैं, अल्लाह ताला बरकत दे हर एक के काम में। और रात में वहीं रुकी थी, सना ने मुझे रोक लिया, उसके बाद मलाई वगैरह, चाय वगैरह, पराठा इसने मुझे बना के दिया और मैंने खाया। बस कल मैं सना से बात करी थी, सना ने कहा आप कुछ मत सोच रहे हैं, फ्रेश हो जाए, बाहर निकलें, आ जाए मेरे पास। और डॉक्टर ने भी यही कहा है कि मैं गैदरिंग करूं, मैं बाहर निकलूं, मैं फ्रेश रहूं, मैं सबके बीच में रहूं, मैं खुश रहूं, यही मेरी मेडिसिन है जो कि मुझे जल्दी ठीक करेगी। तो हमार की, मेरी फैमिली की, बहुत सारे लोगों को मैं नहीं कैमरे में नहीं ला पाती कैमरा में नहीं उठा पाती। सना की तरफ आ गए थे, और सना के घर आने के बाद जो है इंजॉय किया काफ़ी, बाहर भी निकले, खाया पिया, काफ़ी मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। अब मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया, पराठा और चाय वगैरह मलाई के साथ। एक काम है सना का भी और मेरा भी बहुत ज़रूरी काम है, तो हो सकता है हम लोग वहाँ जाएँ, और वापसी पे हो सकता है कि हमारे जानने वाले हैं उनकी तरफ जाना हो। बहुत सारी जगह ना जहाँ पे मैं कैमरा उठा लेती हूँ और बोल नहीं पाती, तो वहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर दूंगी। बहुत ज़्यादा मेरी हिम्मत भी नहीं होती कहीं कहीं पे ना, मैं बहुत लो फील कर रही होती हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत जब तक मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं होती हो जाती, आप लोग कहीं कहीं वॉइस ओवर के साथ मेरे ब्लॉग को इन्जॉय करें। आप जल्दी से रेडी होते हैं और निकलते हैं। मैं बस निकले, हम लोग कुछ काम वगैरह सना के थे मेरे वो काम करके, तो मैंने ज़्यादा उनके घर का ब्लॉग नहीं बनाया, हर किसी की प्राइवेसी होती है, तो मैं सारी चीज़ें भी वो रख रहे थे, तो मैं जो है ना बहुत सारी चीज़ों की जो है मैं वीडियो नहीं ले पाई। तो ये आलू के कबाब थे और बिरयानी थी, अचानक हम लोग गए, सरप्राइज़ था। तो वो हमेशा ना वो अपने हाथ से मेरे लिए हमेशा खाना बनाती हैं और बहुत यमी बनाती हैं, उनके हाथ में बहुत जायका। लेकिन कुछ चीज़ें फिर उन्होंने एकदम से, हम अचानक गए तो खाने का टाइम था, बाहर से फिर लाई। और ये सनक के घर के पास बहुत खूबसूरत जगह थी, और बस अब वापसी का टाइम हो गया था, बस गाड़ी वगैरह आई, इन ड्राइव किया सना ने, और गाड़ी आई, गाड़ी में मैं बैठी। और उस दिन भी मौसम ना बहुत अच्छा था, और मुझे ड्राइव के दौरान अगर अच्छा मौसम है ना, मैं बहुत सुकून महसूस करती हूँ, मैं खामोशी से चीज़ों को देखती हूँ, फील करती हूँ। और आजकल ना अगर लॉन्ग ड्राइव मुझे करनी है अच्छे मौसम में, तो ये चीज़ मुझे इतना सुकून देती है। इस चक्कर में मैं जो है ना पिंडी बार बार सना के पास जा रही होती हूँ, तो मेरे कुछ व्लॉग्स में आप लोग यही चीज़ देखेंगे, घूमना फिरना, बाहर निकलना, क्योंकि इन चीज़ों से मुझे सुकून मिलता है। मैं थोड़ी देर भी ज़्यादा घर पर रहती हूँ, जब ईद की चीज़ें देखती हूँ, तो फिर मैं दोबारा से रोने लगती हूँ, दोबारा से मैं जो है टेंशन की तरफ चली जाती हूँ, जिस चीज़ के लिए डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया कि आपने 8-9 माह बहुत इस चीज़ को देख लिया है, अब आपका दिल जो है इतना कमज़ोर हो चुका है, अब आप इन चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते।
और मेरे ECG टेस्ट भी हुआ था, तो उन्होंने भी यही कहा है कि आपने जो है स्ट्रांग बनना है, अपने दिल को मजबूत करें। दिल रो रो के बहुत ज़्यादा सोच सोच के कमज़ोर हो गया। दिल की मजबूती इसी में है कि इंसान चीज़ों को इग्नोर करे, थोड़ा खुश रहे। और अल्लाह ताला के जिक्र से ना मुझे जो सुकून मिलता है वो मैं आपको बता नहीं सकती। अल्लाह ताला का जिक्र है, अल्लाह ताला की ज़ात है, फिर मेरी फैमिली है जिन्होंने मुझे संभाला, और आप मेरी यूट्यूब फैमिली है जिन्होंने मुझे इतनी दुआएँ दी, इतने DMs। यहाँ पर इस्लामाबाद का रास्ता शुरू हो गया था, इतना क्लाउडी और इतने मज़े का वेदर था और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, और यहाँ पास ही जो हमारा घर है, और बस मैं घर पहुँची, फिर ये मुझे डॉक्टर ने दूध में डाल के लेने के लिए दिया है। डॉक्टर ने कहा है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो मुझे ताकत की दवाइयाँ भी दी जा रही हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना आजकल मेडिसिन पे ही हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, मैं कुरान पढ़ूँ, अल्लाह के साथ जुड़ी रहूँ। अच्छा, यही वाला मैंने ड्रेस निकाल लिया, इसकी आप लोग डिटेल पूछ रहे थे, तो इस तरह से कुछ मैंने स्टिच करवाया, इस तरह से इसके ये जो है बाजू है, और जिस तरह से ना ये कैटलॉग पे बना हुआ था, जिस तरह से इसकी पिक्चर थी ड्रेस की, उसी तरह से मैंने इसको स्टिच करवाने की कोशिश की। गला थोड़ा सा डीप है, इस तरह से ये टसल्स लगवाए हैं इसमें मैंने। अच्छा, आप 3 भी लगवा सकते हैं, 4 भी आप पे है। आपको ये इसका दामन है जी, और ये बहुत ही खूबसूरत सी इस तरह से इसकी लेस लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत डिटेलिंग के साथ। तो इसका ट्राउज़र मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये अगर इसके ट्राउज़र की बात करें ना, तो इस तरह से मैंने इसको स्टिच करवाया, नीचे ये इस तरह से लेस लगी हुई है, और बीच में से भी इस तरह से दो जगह से ये लेस लगी हुई है। आप लोग लगवा सकते हैं। आप इस ड्रेस का इतना पूछ रहे थे, मैं लिंक दे दूंगी, इनका नंबर भी दे दूंगी, आप डायरेक्ट वहाँ से ले सकते हैं। ब्रांड्स को मैं रिकमेंड करती हूँ, आप लोग आंखें बंद करके वो ही सेम चीज़ ले सकते हैं। बाकी चीज़ें भी उनके ब्रांड पे आप देख सकते हैं। दुपट्टा भी इसका बहुत खूबसूरत है, स्टफ़ चेक करें ना, बहुत ही खूबसूरत इसका स्टफ़ है। मुझे पर्सनली ना ये जोड़ा बहुत पसंद आया। अभी से मैंने रेडी होना है, मुझे सैलून जाना है। सैलून जाएंगे मैं और भाभी, सर्विसेज लेनी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी काफ़ी हालत ख़राब थी, काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और भाभी ने और मैंने जाना था सैलून। अब बहुत ज़्यादा थका हुआ और इस तरह महसूस कर रही थी, और काफ़ी दिनों से मैं फ्रेश नहीं थी, तो भाभी कहती है कि सैलून चलते हैं। अब उनके साथ सैलून जाऊँगी, कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। अच्छा, इस ड्रेस की डिटेल्स ना जो लोग जानना चाह रहे थे, मैं अभी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। नीचे नंबर और लिंक वगैरह मैंशन कर दूँगी, आप लोग देख लीजिए। फिर जल्दी से मैं बैग वगैरह लेती हूँ, बैग लूँ और निकलते हैं अब हम लोग। पहुँच गए हम भाभी, मैं अम्मी की तरफ गई, फिर हम लोग सैलून के लिए निकले, बच्चों से कुछ देर गपशप लगाए। मुझे ठंडे पसीने आते हैं, बार बार से मेरा बीपी लो हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना कह रहे थे कि मैं थायराइड का टेस्ट करवाऊं या मुझे अस्थमा का इशू है। ऐसा कोई इशू नहीं है, टेस्ट वगैरह हुए हैं, जितना भी चेकअप हुआ है वो सब कुछ क्लियर है। बाकी आप सबने दुआ करनी है, दुआएं जो है ना वो तकदीरें बदल देती है, और दुआएं हैं वो आपको एक नई जिंदगी की तरफ लाती हैं। दुआएं, मैं कहती हूँ कि दुआएं जो होती है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और आप लोग मेरे ब्लॉग्स को इतना मिस कर रहे थे, इतना प्यार कर रहे थे, इतना पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। कोशिश करूंगी कि मेरे ब्लॉग्स जो हैं आया करेंगे। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी मेकअप वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं। बहुत सारे मुझे DMs आ रहे होते हैं, जो लोग मेरे मेकअप वीडियोज़ को पसंद कर रहे थे, जो लड़कियाँ मुझसे मेकअप सीखती हैं, घर बैठे देखती हैं मेरी वीडियोज़ को, सो उनके लिए, ब्रांड्स के लिए मुझे मेकअप वीडियोज़ करनी होंगी, मैं इंशाल्लाह करूँगी। बीच में मैं बहुत बीमार हो गई थी, आप सबकी दुआओं से अब थोड़ी बेहतर हूँ, थोड़ी सी वीकनेस है, थोड़ा सा काम करती हूँ रेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ रेस्ट करती हूँ, इस वजह से मेरे व्लॉग्स जो हैं रेगुलर नहीं आ रहे, मैं काम नहीं कर पा रही। आप सबने मुझे दुआओं में याद रखना है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।